दफा हर रोग दफा। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में क्या कोरोना पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को कोरोना वॉरियर्स बनाकर उनकी सेवाएं लगातार ली गई और उन पर फूल बरसाने से लेकर संतरी से लेकर मंत्री तक देश के योद्धा की संज्ञा देकर उनकी तारीफ करते नहीं आते थे, लेकिन अब उन्हीं वॉरियर्स की सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है। बताया गया है कि अब तक 60% दैनिक वेतन भोगी वॉरियर्स की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है और बाकियों की भी होने वाली है। ऐसे में वह अब कहां जाएंगे और क्या करेंगे, ये सवाल कोरोना वॉरियर्स को परेशान कर रहा है। लिहाजा उन्होंने धरना प्रदर्शन का सहारा लिया और भोपाल के नीलम पार्क में बैठ गए। इन्हें उम्मीद थी कि शासन प्रशासन इनसे बातचीत करेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। गुरुवार को पुलिस धरना स्थल पर पहुंचती है और उन पर न केवल लाठियां बरसाती है बल्कि 2 दर्जन वॉरियर्स को जेल भी भेज देती है। ऐसे में सवाल है कि वॉरियर्स के साथ अपराधियों जैसा सलूक क्यों, ये आज हम जानेंगे। लेकिन पहले आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलेंगे जहां संसदीय सचिव और विधायक गुलाब कमरो लोकल से ग्लोबल हो गए और इसकी वजह है उनके ठुमके। दरअसल माननीय अपने विधानसभा क्षेत्र से घुटरा गांव में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। यहाँ स्टेज पर नाच और गाने का कार्यक्रम चल रहा था। इस बीच संसदीय सचिव महोदय भी मंच पर पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ डांस कर रही महिला डांसर के साथ ठुमके भी लगाने लगते हैं। बस फिर क्या, यहीं से वो विवादों में आ जाते हैं। हालांकि किसी के भी डांस करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल है कि अगर कोई शख्स गरिमामयी पद पर है तो क्या उसका महिला डांसर के संग इस तरह ठुमके लगाना सही है? वहीं बीजेपी का इस मामले में उन्हें बर्खास्त करने की मांग करना कितना उचित है, आज इस पर विस्तार से बात होगी जनता मांगे जवाब पे। आज के मुद्दे ठुमके पर बवाल में। तो छत्तीसगढ़ में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो का छत्तीसगढ़ गाने पर महिला कलाकारों के साथ डांस करते एक वीडियो वायरल हुआ और इस वायरल वीडियो से सियासी बवाल मच गया। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय के डांस करने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की ये मांग कितनी जायज है। वहीं एक अहम सवाल ये भी है कि महत्वपूर्ण ओहदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कोई आचरण संहिता नहीं होनी चाहिए, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। संसदीय सचिव और विधायक गुलाब कमरो के डांस करने वाला वीडियो उनके विधानसभा क्षेत्र गुटरा में आयोजित एक शादी समारोह का है। इस समारोह में छत्तीसगढ़ी गानों की लोकप्रिय गायक सुनील मानिकपुरी अपनी टीम के साथ प्रस्तुति दे रहे थे। इस दौरान विधायक को डांस के लिए आमंत्रित किया गया जिसे वो ठुकरा नहीं सके और स्टेज पर आ गए। लेकिन वे विवादों में उस वक्त आए जब महिला कलाकारों के साथ उन्होंने जमकर ठुमके लगाए और इस बीच उनके समर्थकों ने जमकर पैसे उड़ाए। दो से तीन दिन पुराने इस वीडियो के वायरल होने के बाद कोरिया जिले के संसदीय सचिव और भरतपुर सोनर के विधायक गुलाब कमरो लोकल से ग्लोबल हो गए। हर जगह उनकी डांस की चर्चा होने लगी। इधर विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाते हुए कमरो को बर्खास्त करने की मांग कर दी। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विधायक ने कोई भी अमर्यादित काम नहीं किया है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी को लोक संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री जिस तरीके से आचरण कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत आपत्तिजनक है। इस सरकार में जनता त्रस्त है और मंत्री मस्त है। कमरो जी को चाहिए कि वो माफी मांगे जनता से
और अपने पद से इस्तीफा दें। गुलाब सिंह कमरो आदिवासी संस्कृति में पले बढ़े लिखे, नृत्य किया तो उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो मांग है, फिर वो आदिवासी कल्चर के विरुद्ध की मांग कर रहे हैं। सार्वजनिक मंच पर विधायक की डांस को लेकर बीजेपी आक्रामक है, वहीं सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग माननीय की महिला डांसर संघ ठुमके लगाने को गलत बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कमरों का समर्थन भी कर रहे हैं। खैर, कौन सही है और कौन गलत इसका तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कमरों के डांस को लेकर शुरू हुआ पॉलिटिकल ड्रामा लंबा चलने वाला है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कोरिया से दिनेश द्विवेदी के साथ रायपुर से वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट। तो ठुमके पर जो बवाल है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के हमारे संपादक मनोज सिंह बघेल और वरिष्ठ पत्रकार के मैसेज भी हमारे साथ है, आपका स्वागत है। मनोज, जो हम रिपोर्ट में दिखा उससे इतर और क्या चीज है जिससे सारा बवाल मचा? देखिए, नाचना कोई गलत बात नहीं है, संदर्भ क्या है ये महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे हमने कई बार देखा, मुख्यमंत्री जो है आदिवासी विश्व आदिवासी महोत्सव यहाँ पर हुआ था रायपुर में, उसमें जम के नाचे, उसमें किसी तरह की नकारात्मक बात नहीं हुई। जो एक और मंत्री कवासी लकमा, उनकी आए दिन खबर आती है कि उन्होंने इस अवसर पर नृत्य किया, ये भी है। अमरजीत भगत, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। मरवाही में कांग्रेस की जीत हुई तो वहां पर जयसिंह अग्रवाल जो कि प्रभारी थे, वहां के मंत्री भी हैं, वो नाचे, उसमें भी किसी तरह की कोई नकारात्मक बात नहीं हुई। केवल संदर्भ क्या है इस बात को लेकर जो है इसमें बहस या विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक विवाह समारोह में वो पहुंचे थे और वहां पर लोगों ने आग्रह किया कि आप आइए और जो है नाचिए, क्योंकि शादी ब्याह का अवसर था, मौज मस्ती का अवसर होता है, वहां पर बुलाए। केवल विवाद मेरे को लगता है कुछ चीजों के साथ, एक तो महिला जो कलाकार थी उनके साथ नाचना, ये लोगों को फूहड़ लगा। इसके अलावा नोटों की बारिश होना, आमतौर पर ये भी नोट की बारिश होना भी दो संदर्भ में लिया जाता है। शादी ब्याह में जनरली एक शगुन होता है कि कुछ अवसरों पर जो है नोट दिए जाते हैं, ये परंपरा भी है, लेकिन वहीं पर एक इसका दूसरा एंगल ये भी है कि नोट को उस तरह से किसी कार्यक्रम में उड़ाना तो एक वो भी जो है नकारात्मक रूप में माना जाता है। तो इस तरह की बातें हैं इसमें, लेकिन वही है कि ये बात तो सच है कि वो आदिवासी इलाके से आते हैं, भरतपुर सोनहत के विधायक हैं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और ये माना जाता है कि आदिवासियों में नृत्य संगीत की परंपरा जो है वो जो है उनके संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए वो जब भी अवसर उनको मिलता है वो नृत्य करने लगते हैं। तो ये एक अवसर था और ये एक राजनीतिक विवाद का विषय ये बन गया है। जी बिल्कुल, अवसर क्या है ये बात अलग है। जैसा कि आपने कहा कि एक डांसर के साथ, एक जो डांस करती है, प्रोफेशनल डांस करती है, हमारे समझ से आर्केस्ट्रा होगा, वहां पे जो उस तरह उन्होंने डांस किया वो गलत है। खैर, नितिन भंसाली जी क्या कहते हैं? नितिन जी, आप इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कहेंगे? हालांकि जिस तरह से आपकी तरफ से ये मत आया है कि छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति का सवाल है ये, और लोक संस्कृति का सवाल है तो सामान्य डांस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक महिला डांसर के साथ वो ठुमके लगा रहे हैं, आपत्तिजनक ये लगा, क्या कहेंगे आप? इसमें कहीं पे भी कोई बात मुझे आपत्तिजनक नहीं लगी जी। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को क्यों लगी, वो अपने चश्मे से इसको उन्होंने किस तरीके से देखा, इसके आप इस बारे में मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। गुलाब कमरो जी एक सहज सरल और उस क्षेत्र के एक लोकप्रिय विधायक हैं, जनप्रिय विधायक हैं, एक विवाह समारोह में गए थे जहां पर ये जो गाना अभी आप थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे काफी लोकप्रिय गाना है। मुझे तो जानकारी है कि बीजेपी के भी बहुत लोग इन लोकगीतों में शादी ब्याह के अवसर पर थिरकते हैं। इसमें यदि विधायक जी ने वहां पर मंच पर यदि थोड़ा उस गाने पर संस्कृति, जहां पर लोक संस्कृति की बात है, देखिए जब से छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है यहां पर लगातार छत्तीसगढ़ के कलाकारों को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को महत्व दिया जाता रहा है, और इससे बहुत ज्यादा अगर किसी को तकलीफ है तो भारतीय जनता पार्टी को है। यहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं थी
बिल्कुल ही एक सहज रूप से, जैसे मैंने कहा, एक सामान्य रूप से विधायक जी उस कार्यक्रम में थे, उन्हें विवाह के उस आयोजन में मंच पर बुलाया गया और वे गए और वो लोकप्रिय जो लोक नृत्य था उसमें उन्होंने भाग लिया। इसमें कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि कोई अश्लीलता है या कुछ और है। बिल्कुल, एक चीज तो कहूंगा मैं, जिस तरह से आपने आज से करीब एक डेढ़ साल पहले देखा होगा, एक विदिशा के श्रीवास्तव जी है, वो प्रोफेसर थे, लेक्चरर है इंजीनियरिंग कॉलेज में, उन्होंने अपने साली की शादी में डांस किया और इतने जबरदस्त शेयर हुए कि रातों रात वो स्टार बन गए और वो बॉम्बे तक उनको बुला लिया गया। कम से कम उतना तो नहीं, लेकिन उनके बराबर शेयर हमें लगता है कि इनको भी किया गया है। आपके कमरों जी का डांस बहुत अच्छा करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि जो इस समय कोरोना 19 की जो भी गाइडलाइंस है उसको कितना फॉलो किया जा रहा है। एक आप देख रहे हैं कि बिना मास्क के खुद मंत्री जी भी डांस कर रहे हैं, बाकी लोग भी बिना मास्क के हैं, बाकी पैसा जिस तरह उड़ा रहा है, ये तो बॉम्बे के जो ये नहीं कहेंगे किस जगह पे जहां डांस होते हैं वहां इस तरह पैसा उड़ाया जाता है। ऐसे स्थिति में पैसा उड़ाना, एक तो हमारे रुपए का अपमान हो रहा है, लक्ष्मी जी का अपमान हो रहा है, और दूसरा ये गाइडलाइंस जिसके लिए वो सबको कहते हैं कि मास्क लगाओ, वो बिना मास्क के हैं। देखिए, बिना मास्क वाली बात जो है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, इसमें कहीं विवाह समारोह में विधायक जी बैठे होंगे और उन्हें अचानक मंच पे बुलाया गया होगा तो वो कहीं एक बात हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही सीमित समय था, 2 या 3 मिनट का समय था। आपने एक नोट उड़ाने वाली बात कही, उसमें मैं ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में एक हमारे हिंदुओं में परंपरा है कि शादी ब्याह के समारोह में आदि अच्छे कार्यों में नजर उतारी जाती है, कहा जाता है कि नजर नहीं, पैसों से नजर। ये वाली स्टाइल भंसाली जी कहाँ होती है आप जानते हैं, ऐसी स्टाइल न्यौछावर यूं करके किया जाता है और जो संबंधित व्यक्ति होता है न्यौछावर जिसको देते हैं, शादी ब्याह के माहौल में न्यौछावर करके किसी को दिया जाता है, ये वाली स्टाइल कौन सी है? ये जो थे ये कार्यकर्ता थे उत्साह में मंच पे चढ़ के उन्होंने वो न्यौछावर की जो प्रथा होती है या जो एक रीति होती है वो निभाई है। हो सकता है इसको कुछ लोग गलत नजर से देख रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसी गलती है। नहीं, एक्चुअल परंपरा की बात है, बॉम्बे के बाहर डांसर जो होते हैं उन पे इस स्थिति में उड़ाया जाता है, इसलिए इसको गलत हो सकता है। हालांकि किस तरह से पैसा देना, किसको देना, कैसे देना, वो अलग मुद्दा है। जी 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 जी, बिल्कुल नहीं है। तो खैर, देखा तो होगा आपने, कहीं ना कहीं फिल्मों में देखा होगा, याद आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, फिल्मों में देखा है, पिक्चरों में देखा है। खैर अनुराग जी, ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कुछ भी दिखाते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। अब आपको क्या कहे, छत्तीसगढ़ संस्कृति की बात है और इस संस्कृति में अगर विधायक जी का मन प्रफुल्लित हो जाता है और वो अगर थोड़ा सा डांस कर लेते हैं तो इसमें आप लोगों ने इस्तीफा देने तक की मांग की बात कर दी, इसमें इस्तीफा देने की बात कहाँ है? देखिए अश्विनी जी, कांग्रेस की तरफ, मैं अश्विनी जी नहीं हूँ, मैं अश्विनी त्रिपाठी हूँ। जी जी त्रिपाठी साहब, जी त्रिपाठी साहब, जो इस विषय पर कांग्रेस की तरफ से जवाब आ रहा है, जी मुझे लगता है कांग्रेस जैसा सोचती है उस तरीके से उस विषय को मोल्ड करने की। जी आप यदि स्क्रीन देखें, इसे आपत्ति का क्यों होगा? जी यदि आप उस वीडियो देखें तो उसमें कोई शादी समारोह नहीं दिख रहा है। जी उसमें एक मंच दिख रहा है जिसमें प्रोफेशनल डांसर्स हैं। जी गाना गाया जा रहा है, नाच हो रहा है जी, और पैसे उड़ाए जा रहे हैं। जी तो उसको किसी कल्चर से, संस्कृति से जोड़ना, ये सबसे पहले तो ये अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। जी दूसरी बात ये है कि हमारे सरगुजा में और छत्तीसगढ़ में जो परंपराएं आदिवासी नृत्यों जी, उसमें कर्मा, डांडी, डंडा, सुगा, सैला, इन सब नाचों की परंपरा है जी। इस प्रकार के प्रोफेशनल डांसिंग की परंपरा नहीं है शादी ब्याह जी। मेरा कहना ये है, बीजेपी को आपत्ति क्यों है इसका? जी भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति इसलिए है कि कोविड पीरियड में आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, आप मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में 2900 मौतें हो चुकी हैं,
प्रतिदिन 12 से 15 मौतों का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ प्रथम जो 5 स्टेट है देश में उसमें पहुंच गया है, तो 2.5 करोड़ का छत्तीसगढ़ जो है। अगर ये डिबेट कोविड पर है तो मुझे बोलने की इजाजत मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी। और छत्तीसगढ़ में जो बलात्कार की घटना है, ये आप कहाँ घुमा रहे हैं? ये डांस से बलात्कार की घटनाएं मौतें हो गई, ये सारे कांड इनके समय हुए हैं 15 वर्षों में, इनको ये याद हो गया है जी। अनुराग जी मुद्दे पे आइए, ये तो आंकड़े गिनाने लगेंगे कि इतने बलात्कार हो गए, इतने मर्डर हो गए, ये इसका क्या लेना देना? आरोपी मुद्दा विहीन है, आरोपी मुद्दा विहीन है, ये कहाँ मुद्दे पर आइए? छत्तीसगढ़ जब संकट में है जी, तो उसके मंत्री नाथ क्यों रहे? इस पर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति। क्या संकट में है छत्तीसगढ़? उसमें मंत्री महोदय अगर अपने क्षेत्र के किसी के यहाँ शादी समारोह में पहुंच गए हैं तो नाच लिए, ये कौन सा अपराध हो गया? और वो भी छत्तीसगढ़ी गाना था। आप जो बोल रहे हैं ना कि हमारे यहाँ इस तरह की नहीं संस्कृति, छत्तीसगढ़ी गाना है। नहीं, गाना कोई को उसी चीज से नितिन जी, अनुराग जी की बात आ जाने जी। छत्तीसगढ़ संक्रमण काल से गुजर रहा है, ऐसे में यदि जिम्मेदार कोई व्यक्ति कोविड पीरियड में समस्त नियमों को ताक में रख के नाचेगा तो उसका मैसेज छत्तीसगढ़ के अंदर क्या जाएगा? इस पर भाजपा ने आपत्ति की है। चलिए, आपके जितने भाजपा के नेता हैं किसी भी शादी समारोह में अगर बिना मास्क के दिखेंगे तो आप उनसे भी इस्तीफे की मांग करेंगे? अगर वो किसी पद में है पार्टी से, आपको कार्रवाई करना चाहिए। मैं फोटो खींच के भेजूंगा अगली बार जी। जी अनुराग जी, आपसे सवाल चाह रहा हूँ, उत्तर चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, सरकार को तो मेंटेन करना चाहिए इसमें कि वो सब लोग मास्क पहने, मास्क न हो तो फाइन लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके भी 15-16 विधायक ही सही, पूर्व मंत्री सही, ये क्या सारे समारोह में? पहले तो आप लोगों ने इस बात का आपत्ति की, पहले जो मेरे पास बयान आए कि ऐसे डांस करना, एक महिला डांसर के साथ डांस करना, ये आचरण संहिता के उल्लंघन का मामला है, उनको बर्खास्त किया जाए। अब आप कोविड पे आ गए, कोविड पे आपके जितने भी नेता उपयोग किया है, एक मिनट नितिन जी आप ही को मौका देंगे, इसके बाद उनकी बात आ जाने, मैंने उनसे सवाल किया है। नितिन जी एक मिनट, आपके सारे नेता, पूर्व मंत्री, विधायक, क्या ये सब जगह ये पूरा कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उसका पालन कर रहे हैं? देखिए, यदि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है जी, तो इसका पालन कौन कराएगा जी? कोई सामान्य व्यक्ति तो करा नहीं सकता है, ये तो सरकार की जवाबदारी है जी। और सरकार जब खुद ही इस पर आमादा हो जाए जी, कि वो कोविड का ना तो पालन करवाएगी ना करेगी जी, तो उसका क्या असर होगा? मतलब उस डांस से कोई आपत्ति नहीं है आपको? जो डांस किया उन्होंने महिला डांसर के साथ जो डांस कर रहे हैं उससे कोई आपत्ति नहीं है भाजपा को? नहीं, निश्चित रूप से आपत्ति, मैंने कहा ना, प्रोफेशनल डांसर के साथ जो डांस किया है जी। और साथ में जो छत्तीसगढ़ में अभी, मैं इसीलिए मैं उस विषय को टच कर रहा था जी, आपने दुष्कर्म की घटनाओं का रिकॉर्ड जो आया है छत्तीसगढ़ में, 7वें नंबर पर है देश में। नहीं, वो ऐसे समय पर जी, ऐसे समय पर इस तरीके का आचरण दिखाना, ये तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि उनको कैसा वातावरण छत्तीसगढ़ में बना के रखना है। बिल्कुल वैशाली जी, बात इसका है, सवाल अनुराग जी ये कोविड-19 से भी जोड़ रहे हैं, मैं आपसे सीधे सवाल कर रहा हूँ। देखिए, वो एक राज्य मंत्री, संसदीय सचिव है, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त माननीय है, अगर वो इस तरह से, देखिए अगर कोई गवर्नर है, मुख्यमंत्री है, इस तरह से महिला डांसर के साथ डांस करने लगेंगे तो फिर आम आदमियों को वो क्या बताएंगे? सवाल हमारा आपसे ये है, क्या ये उचित है इस तरह से? वो माननीय है, इसलिए हम और मनोज जी या अग्निहोत्री जी डांस कर सकते हैं। एक तो बार बार ये जो प्रोफेशनल डांसर शब्द का मेरे बीजेपी के साथी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने एक बहुत ही अपशब्द का उपयोग किया है, जो मैं अभी इस डिबेट में आने से पहले टीवी में उनकी बाइट देखकर आया हूँ, उसका परीक्षण किया जा रहा है। और जो हमारी बहन जो लोक कलाकार है वहां पर मंच पर वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति का नृत्य कर रही है, ये उनके खिलाफ बोला गया एक अपमानजनक शब्द है।
मैं ये बता उस शब्द का उपयोग भी नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ही आपको हो सकता है जानकारी लग जाएगी, हमारी टीम इसका प्रशिक्षण भी परीक्षण भी कर रही है कि उन्होंने ऐसा कहा है, और इस विषय पर यह भी देखा जाएगा कि बार बार ये कहते हैं कि वहां पर प्रोफेशनल डांसर थी वो डांस कर रही, तो मैं फिर इस बात को कहूंगा कि वो छत्तीसगढ़ का लोकगीत लोक नृत्य था, लोकगीत था, छत्तीसगढ़ी भाषा का गीत था, और उसमें कहीं पर भी देखिए मैंने कहा कि वो लोकप्रिय विधायक हैं और काफी जनता में वहां पर उनका नाम है, काफी मिलनसार व्यक्ति है, निवेदन करने पर वे मंच पर गए, ये तो अभी कह रहे थे कि वो शादी ही नहीं है, वो तो मंच ही कुछ और है, इन्होंने तो मतलब इनको सिर्फ आरोप लगाना है, इनके पास तथ्य कुछ भी नहीं है, इन्होंने देखा और देखकर आरोप लगा दिया। मैं अनुराग जी से ये पूछना चाहूंगा, मुझे आप बताइए रमन का चश्मा पहनकर बताइए, वो दूसरा चश्मा मत पहनिएगा, आपने रमन का ही चश्मा पहन के शायद देखा होगा, मुझे बताइए उस वीडियो में कहां अश्लीलता है, कहां अश्लीलता है, क्यों उसको इस तरीके से आम जनता के बीच में झूठे मूठे ऐसे आरोप लगाकर और ऐसी खिचड़ी पकाई जा रही है, आज दिन भर सुबह से आप लोगों का आरोप और प्रत्यारोप का आप लोगों का दौर चल रहा है, इसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष से एक अपशब्द भी निकला है जिसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूं, ना हो तो आप उनसे फोन करके पूछ लीजिएगा कि उन्होंने इन लोक नृत्यांगनाओं को छत्तीसगढ़ की हमारी बेटियों के लिए किस शब्द का उपयोग किया है जो कि घोर आपत्तिजनक है। जी उसे प्रोफेसर क्या शब्द का उपयोग किया बता दीजिए, बंसाली साहब आप ही बता दीजिए क्या शब्द का उपयोग कर दिया, वो आपको पता चल जाएगा, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता। जी जी अनुराग जी, अश्लीलता कहां दिखी है आपको यहां? देखिए अश्लीलता इसलिए है कि पूरे देश भर के न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, नेशनल न्यूज चैनल में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में मंत्री क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मदमस्त है, किस तरीके से मदहोश होकर डांस कर रहे हैं, किस तरीके से स्टेज पर ठुमके लगाए जा रहे हैं, आखिर में मदहोश होकर हो सकता है मीडिया इसमें दिखा रहा है कि उनकी जो डांस करने की वो सीमा कला है वो पसंद आई हो मीडिया को, डांस करने की कला एक होती है, डांस करने की कला होती है। जी जी चलिए हमारे साथ अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ साहब अग्निहोत्री जी, एक तो नितिन जी बार बार कहें प्रोफेशनल प्रोफेशनल सब प्रोफेशनल, तो गायक भी होता है, प्रोफेशनल राइटर भी होता है, प्रोफेशनल डांसर क्या जी, तो प्रोफेशनल डांसर कह देना कोई आपत्तिजनक है क्या? मुझे नहीं लगता है इसमें कोई आपत्तिजनक बात है प्रोफेशनल कह देने में, प्रोफेशनल मतलब वो अगर उससे जीविकोपार्जन के लिए धन जुटाते वो प्रोफेशनल है। जी हाँ, और देखिए यदि लोक नृत्य के जो कलाकार हैं जी, तो वो तो प्रोफेशनल डांसर्स ही कहलाएंगे, क्योंकि वो लोक नृत्य जो छत्तीसगढ़ी में जो लोक नृत्य है जी, मुझे लगता है बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है जिसको कि इसमें दिखाया गया जी। पहली चीज इसमें दो पहलू है त्रिपाठी जी, जी पहला तो ये कि जो सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति है वह एक मिसाल होता है समाज के लिए जी, तो पहली बात तो ये कि जो मिसाल है समाज के लिए उसको अपना आचरण कैसा रखना है जी, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और दूसरा पहलू यह है कि एक सहज जो इंसान जो है वहां पर शादी समारोह में गया हुआ है, वो वहां का विधायक है, वो लोकप्रिय आदमी है, उससे आग्रह किया गया कि आइए आप भी थोड़ा सहभागिता कीजिए, और चूंकि छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य की बात थी और जैसा कि बंसाली जी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय गाना है वो जिस पर कि चल रहा है डांस, तो उसमें यदि उन्होंने सहभागिता की, लेकिन लेकिन जो डांस जिस तरह से हो रहा कर रहे हैं महिला कर रही है वो कर रहे हैं आपत्तिजनक उसको माना है अनुराग जी। हाँ जी हाँ, इसलिए मैंने कहा कि जो सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति है समाज में उसकी मिसाल दी जाती है जी, तो चूंकि उससे समाज प्रेरणा लेता है इसलिए उसको थोड़ा अपने आचरण पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का आचरण वो करे ताकि समाज में कोई विपरीत संदेश न जाए। तो जी जी बंसाली जी, अब क्या कहेंगे आप? बंसाली जी अग्निहोत्री जी की टिप्पणी आपने सुनी है, आपने आवाज नहीं जा रही जी, आवाज आ रही जी 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 जी, अग्निहोत्री जी की टिप्पणी सुनी, उन्होंने ये कहा कि एक सार्वजनिक जीवन में जो जीता मतलब जो माननीय लोग हैं वो एक समाज के लिए मिसाल होते हैं, और समाज के मिसाल होने के नाते वो अगर अपने कुछ समर्थकों के साथ क्षेत्र की जनता के साथ नीचे डांस कर लेते कुछ कर लेते वो उचित वो अनुचित नहीं था, लेकिन स्टेज में जा करके एक महिला के साथ जिस तरह से डांस कर रहे हैं ठुमके लगा रहे हैं ये अनुचित है, ये
आचरण संहिता जो सार्वजनिक जीवन में होती है, जीवन में जो जीते उनके लिए उसको वो उल्लेखित कर रहे हैं कि वो गलत था। देखिए, कोई अश्लील गाना होता, कोई अश्लील हरकत होती तो मैं कहता गलत है, ना ऐसी कोई चीज थी, ना वो गाना अश्लील था। मैंने कहा कि लोकगीत था छत्तीसगढ़ का, काफी प्रख्यात गीत था, और मुझे तो लगता है कि बीजेपी के लोग भी जब शादी ब्याह में जाते होंगे तो ऐसे लोकप्रिय गीतों पे अपने परिवार के आयोजनों में थिरकते होंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कहीं पर भी, जैसा मैंने कहा कि मुझे कहीं पर भी कोई अश्लीलता नजर नहीं आई छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के साथ। यदि क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अपनी जनता के बीच में, यदि किसी विवाह समारोह में किसी के निमंत्रण पे, किसी के आमंत्रण पर वहां जाकर यदि उस लोकगीत पर थिरकते हैं, तो इसमें कहीं पर भी कोई आपत्तिजनक कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ सत्ता पक्ष में है। नितिन जी, आप सत्ता पक्ष में हैं, विपक्ष इस तरह के मामले ढूंढेगी ही। लगता है 15 साल में आप लोग विपक्ष में रहे तो आप विपक्ष की ही भूमिका करने लगे। भूल गए आप भूमिका, भूल गए भूमिका, भूल गए आप। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता पक्ष में है आप और वो मंत्री है। तथ्य विहीन, मैं आप सत्ता पक्ष में है थे इनके, आपने जब अनुराग जी से प्रश्न किए। जी जी, बिल्कुल सत्ता पक्ष में है, और सवाल का जवाब देने के लिए ही हम बैठे हैं। विपक्ष का काम होता है सवाल करना, हमारा काम होता है जवाब देना, लेकिन वो सवाल भी तथ्यात्मक हो, सही हो, उचित हो, तो उसका जवाब देने में भी मजा आती है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई तथ्य वाली बात हो या कोई ऐसे तथ्यात्मक चीजें इनके पास हो। इन्होंने तो ये तक के कह दिया कि वो शादी समारोह ही नहीं था, तो इनको कुछ पता ही नहीं है जब। और वो जो हमारी बेटियां जो डांस कर रही है, जो लोक नृत्यांगनाएं हैं छत्तीसगढ़ की, उनके विषय में भी मैंने जैसा कहा कि ये बार बार जिन शब्दों का उपयोग कर रही है उनका भी अपमान है। लोग छत्तीसगढ़ के लोग प्रोफेशनल शब्द कहाँ से अपमान है, बच्चों का भी अपमान, प्रोफेशनल कहना ये कहाँ से अपमान है। देखिए, प्रोफेशनल के साथ प्रोफेशनल के ऊपर, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग एक प्रोफेशनल शब्द के ऊपर जोर डालकर जैसे इस शब्द को बोल रहे हैं, इसमें ऐसा लगता है कि वो उन बेटियों के प्रति कटाक्ष कर रहे हैं। अरे साहब, हम लोग भी उन नृत्यांगनाओं के प्रति कटाक्ष कर रहे हैं, लोग कलाकारों के प्रति कटाक्ष कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आप तो फिर नाम लेके कह रहा हूँ कि बीजेपी के अध्यक्ष ने एक विवादित बयान दिया है, जिसको आप अभी सुनिएगा, आप लोगों तक भी मुझे लग रहा है पहुंचेगा, तो आप खुद ही फिर कहेंगे कि नहीं, मैं जो आपत्तियां दर्ज कर रहा हूँ इनके बयानों के खिलाफ, सही हूँ। प्रोफेशनल तो हम लोग भी हैं, मीडिया में काम करने वाले भी प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल अमिताभ बच्चन भी है, आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं, प्रोफेशनल हूँ, आप भी प्रोफेशनल हैं, सब लोग प्रोफेशनल हैं। लेकिन ऐसे मामलों में किसी को प्रोफेशनल शब्द को जोर देकर उस बात को बार बार बोलना, ये उचित नहीं है। चलिए अनुराग जी, चलते चलते क्या कहेंगे आप इस मुद्दे को, कहाँ तक ले जाएंगे? छत्तीसगढ़ में जनता ने जो कांग्रेस को बम्पर बैंडेज दिया है, वो नाच गाना करने के लिए नहीं दिया है। हर जगह नाच गाने के कार्यक्रम होते रहते हैं, वो तो ठीक है, और कई बार मुख्यमंत्री निवास से लेकर लखमा जी से लेकर सब लोग नाचते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो जवाबदारी है छत्तीसगढ़ की सरकार की, उस जवाबदारी का निर्वहन करना है, अपराध रोकना है, किसानों का पैसा देना है, नाचने गाने के लिए बहुत समय मिलेगा बाद में, उस समय नाचते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इसी पर आपत्ति थी। मैं भी शादी समारोह में जाता हूँ, शादी समारोह में नीचे बैंड में सब लोग एक साथ मिलकर नाचते हैं, कॉमन स्टेज नहीं बनता है, स्टेज में तो प्रोफेशनल लोग नहीं आते हैं, पैसे नहीं उड़ते हैं, नाचते हैं ना, ये जो दृश्य दिखा है, आप नाचते हैं ना, आप कैसे बोल सकते हैं कि आजू बाजू कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है? शादी समारोह में सब लोग नाचते हैं। चलिए अनुराग जी, सब नाचते हैं अपने पारिवारिक आयोजनों में, शादी समारोह में बिल्कुल थिरकते हैं सब। चलिए अनुराग जी, खैर मुद्दा विपक्ष में है तो इस तरह से आता ही रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सत्ता पक्ष भी आपके नेताओं पर नजर रखेगा कौन क्या कर रहे हैं, और इस मुद्दे को कहाँ तक ले जाएंगे आप? देखिए, ये गंभीर मामला है और इस पर इसको नारी अस्मिता से भी जोड़ा जाएगा और छत्तीसगढ़ की सरकार की जिम्मेदारी से भी जोड़ा जाएगा। इसलिए सरकार को, कांग्रेस को, जनता नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं आपकी सरकार के, महिला सुरक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आता था। नारी अस्मिता की बात ना करें अनुराग जी, चलिए ठीक है, नारी अस्मिता की बात, सातवें नंबर पर है। लेकिन मंसाली जी का आंकड़ा अभी मैं बता रहा हूँ आपको। मंसाली जी, माननीय डांस बहुत अच्छा कर रहे थे, इसकी तो तारीफ करना पड़ेगा,
आप भी आपने भी देखा होगा, आपको भी लगा होगा कहीं कहीं होता है कर रहे थे। नृत्य हर कोई करते वो लोक नृत्य चलिए लोक नृत्य हर कोई करते हैं लेकिन किसी का कोई आकर्षित करता है कोई नहीं करता है। महारत हासिल इसमें तो मैं तारीफ करूंगा कि डांस वो तो कौन नृत्य बहुत अच्छा कर रहा है किस नजर से देख रहा है ये महत्वपूर्ण। चलिए समय भी समाप्त हो गया। मनोज जी हमारे मुस्कुरा रहे धीरे। मनोज जी कितनी बार देख लिया आपने? बहुत अच्छा लगा, हमने तो कई बार देखा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी बहुत कई बार देखा और उसमें केवल विवाद शुरू तब हुआ जब पहले तो जो गाना गा रहे थे सुनील मानिकपुरी उनके साथ हाथ पकड़ के नाच रहे थे जी। फिर अचानक जो है उनका जो डायरेक्शन बदला उसके बाद वहीं से विवाद की जड़ शुरू हुई। ये यूट्यूब में इतना शेयर होने वाला है बबलू श्रीवास्तव फेल हो जाएंगे बिदसा वाले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, भंसाली जी आपका, अनुराग जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो ठुमके पर मचे बवाल के बीच विधायक कमरों ने सफाई दी है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और उन्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। वैसे ये तो हम भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, गलत तो उन ठुमकों में है जो उन्होंने गरिमामयी पद पर होने के बावजूद सार्वजनिक मंच पर महिला नृत्यांगना के साथ लगाए और इस दौरान उनके समर्थकों ने जमकर पैसे दिलवाए जिस पर माननीय ने कोई आपत्ति नहीं जताई। कोई मंत्री महोदय ये भी भूल गए कि कोरोना काल चल रहा है तभी तो वो बिना मास्क के ही शादी समारोह का भरपूर आनंद लेते रहे। खैर अब जिस तरह से उनके डांस पर राजनीति शुरू हुई है देखते हैं वो कितनी आगे चलती है। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर जहां कोरोना वायरस पर वार हो रहा है। तो क्या अपने भविष्य के लिए परेशान होना गलत है? क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत है? अगर नहीं तो फिर शांतिपूर्ण ढंग से राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन कर रहे कोरोना वॉरियर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया? प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को पीटने में पुलिस जरा भी क्यों नहीं हिचकिचाई? वो भी तब जब इन वॉरियर्स ने कोरोना के भीषण काल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। वहीं अब भी जब कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाना कितना सही है उस पर भी पुलिस कहर बरपा रही है। सवाल है कि हेल्थ वर्कर्स इन वेरियर्स के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलिए इस बेहद गंभीर विषय पर चर्चा का दौर शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। पुलिसिया कहर की ये तस्वीरें भोपाल की हैं और जिन पर कहर बरपाया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने वायरस के विस्फोटक दौर में लगातार अपनी सेवाएं दी। लेकिन अब जब हालत पहले से कुछ बेहतर हुए तो उनकी सेवाएं समाप्त होना शुरू हो गईं। लिहाजा कोरोना वॉरियर्स ने अपने हक के लिए राजधानी के नीलम पार्क में डेरा डाला। ये बीते 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन गुरुवार को धरना स्थल पर अचानक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और कोरोना वॉरियर्स को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर देते हैं। इतना ही नहीं धरना प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को भी पुलिस बेरहमी से पीटती है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार इनके साथ यूज एंड थ्रो वाली नीति अपना रही है जबकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी काम कराने पर उन्हें नियमित किया जाना चाहिए था। कोरोना वॉरियर्स पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर राजनीति भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधते